आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया, मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। जिन्हें आपने सुना वो भजन गायक कन्हैया मित्तल हैं, वही कन्हैया मित्तल जिन्होंने साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अब वही कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कन्हैया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे और टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया। हालांकि कन्हैया ने खुद इस बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला पंचकुला से, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टिकट अगर चाहिए होती तो मैं तो कुछ लोगों से बात करता और ले लेता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। देखिए, ये माहौल अच्छा है और मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं और आने वाले समय में जनता किसको चुनती है जनता पे निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव में लेकर अयोध्या में भी जीत हार गई, क्या कारण रहा वहाँ पर? राम लाएंगे ये भी चला और अयोध्या में फिर भी भाजपा की? देखिए, निर्भर करता है। अयोध्या में प्रॉपर अयोध्या सीट जो विधानसभा की है उसमें तो भाजपा नहीं हारी, लेकिन ओवरऑल जो सीट है, जो वहाँ की सीट है, उसको ज़रूर उन्होंने MP इलेक्शन में हारे हैं। अब वो क्या कारण हो सकते हैं वो तो उनकी पार्टी का अपने विचार की बात है। आपने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह अगर राम मंदिर बनाते तो मैं उनके लिए भी, ये तो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी मंदिर बनाते हम उनके लिए भी गाना गा देते थे, क्योंकि हम लोग पार्टियों से परे के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं सनातन से लोग जुड़े और वो मंदिर जाने से सनातनी की पहचान हो, ना कि पार्टी से किसी की पहचान हो कि इस पार्टी का तो ही सनातनी है, उसका है तो नहीं है, ये परसेप्शन खत्म। जैसे आपने पहले बीजेपी को ले लिया, अब कांग्रेस में जाने की अटकलें लगी तो सोशल मीडिया पे भी कई टिप्पणी आ रही है आपके खिलाफ। नहीं, वो देखिए, सबका हृदय है, जो जैसा लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन उन लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इतनी जल्दी तो मेरा मन भी नहीं बदला जितनी जल्दी आपने मन बदल लिया, तो थोड़ा सा इंतजार करें। आने वाले समय में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सनातन के विरोध में हो। हाँ, अगर मैं सनातन के विरोध में कोई काम करूं तब आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने गलती की है, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे प्यार करते थे, अगर मैं कोई उसके खिलाफ कोई बात करूं तब आप कर सकते हैं। बता दें कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने में कन्हैया मित्तल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। पिछले साल कन्हैया मित्तल ने मैं यूपी बोल रहा हूँ वाला गाना गया था जिसमें योगी सरकार के कामों का गुणगान किया गया। कन्हैया मित्तल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बताया है। नहीं, देखिए, जैसे हर आम आदमी का, नागरिक का हक है कि वह कहीं पर भी जाकर बात कर सकता है, तो मेन कारण यही है कि हम लोग जहाँ भी भजन करने जाते हैं वहाँ ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं, तो उसमें जो कांग्रेस से जुड़ा आदमी है वो अपने घर पर ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार हो कि हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है, और इसी चीज को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने गाया अब वो कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावना है, कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से, भाजपा से मोह भंग हो रहा है।
हाँ, मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। कन्हैया मित्तल जी का मैं अभी देख रहा था, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावनाएं हैं, कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से। भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। राम मंदिर का वो गीत लिखने वाला अगर आपके पास से जा रहा है तो ये आत्मचिंतन का वक्त है भारतीय जनता पार्टी, सोचो, खत्म हो रहे। वहीं इसके बाद हरियाणा के विधानसभा स्पीकर और बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। देखिए कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। आज भी वो सनातन के साथ खड़े हैं। सनातन यानी जो युगों युगों से जो एक धर्म जो है वो चला आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कन्हैया मित्तल कहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके पास खबर होगी, मेरे पास कोई खबर नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में इस्तीफे और नए लोगों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। अब इसी बीच भजन गायक कन्हैया मित्तल भी कांग्रेस ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं कि नहीं, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।